हेलो एंड वेलकम बैक. आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन. आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, अगर आप अपने चश्मा हटाने का ऑपरेशन दिसंबर 2024 या 2025 में प्लान कर रहे हैं, तो आज की डेट में कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है चश्मा हटाने के लिए, और जो नई टेक्नोलॉजी अभी अभी लॉन्च हुई है जिसका नाम है WaveLight Plus InnovEyes, ये पुरानी टेक्नोलॉजी से कैसे बेटर हो गई है, और आज की डेट में हम लोग WaveLight वाला ऑपरेशन क्यों चूज कर रहे हैं अपने पेशेंट्स के लिए 2025 में, जब हम चश्मा हटाने का ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं. अब देखिए, WaveLight Plus InnovEyes वाला जो लेजर ऑपरेशन है, इसमें क्या नया आया है, और ये जो पुरानी टेक्नोलॉजीज है, अब आप कोई भी पुरानी टेक्नोलॉजी ले लो, स्टैंडर्ड लेसिक ले लो, कंटूरा ले लो, सिल्क ले लो, स्माइल ले लो, HDV 2.0 ले लो, स्मार्ट सर्फ ले लो, क्लियर ले लो, इन सारी टेक्नोलॉजी से WaveLight Plus InnovEyes कैसे बेटर हो गई है, इसके लिए सबसे पहले आपको पर्सनलाइजेशन या कस्टमाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं अपना सूट बनवाने, तो मार्केट में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो रेडीमेड साइज ले लो, स्मॉल ले लो, मीडियम ले लो, लार्ज ले लो, एक्सेल ले लो, या एक ऑप्शन आपके पास होता है टेलर मेड या टेलर फिटेड सूट का. टेलर मेड सूट का मतलब क्या होता है कि एक इंसान आपके पूरी बॉडी का नाप लेगा और उसके हिसाब से आपके सूट की फिटिंग को डिजाइन करेगा. तो जो टेलर मेड सूट होता है उसकी फिटिंग डेफिनेटली बेटर है जो रेडीमेड सूट है. सेम कॉन्सेप्ट है WaveLight Plus InnovEyes एंड पुरानी टेक्नोलॉजीज में. देखिए, ये जो सारी पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं, ये एक अजम्पशन पे काम करती है. ये सारी पुरानी टेक्नोलॉजीज जो हैं, एक स्पेसिफिक आई मॉडल जिसको गोल स्ट्रैंड्स मॉडल कहते हैं, ये सारी गोल स्ट्रैंड्स मॉडल पे बेस्ड है. जब भी टेक्नोलॉजी एक स्टैंडर्ड आई मॉडल पर बेस्ड होती है तो सारा काम अजम्पशन पे होता है. हम लोग एज्यूम करते हैं कि हर पेशेंट की जो आंख है वो गोल्ड स्टैंड मॉडल जैसी है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट को प्लान करा जाता है. लेकिन हर इंसान की आंख तो अलग है, किसी की आंख साइज में थोड़ी बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी की पुतली ज़्यादा घूमी हुई है, किसी की पुतली कम घूमी हुई है. तो ये सारे क्राइटेरियाज अभी तक हम लोग अपनी ट्रीटमेंट में इनकॉर्पोरेट नहीं करते थे. अभी तक की जो भी ट्रीटमेंट्स थी, ये स्टैंडर्ड वन फिट ऑल ट्रीटमेंट है. अब मान लो आप सिल्क ले लो, स्माइल ले लो, स्मार्ट सर्फ ले लो, स्टैंडर्ड लेसिक ले लो, तो अगर तीन लोग मेरे पास आते हैं और तीनों की आंख में मान लो चार का नंबर है, तो तीनों का जो ऑपरेशन है या जो ऑपरेशन का प्लानिंग है वो बिल्कुल सेम होगा. लेकिन WaveLight में अब ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से चेंज हो गया है. WaveLight Plus InnovEyes में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट की आंख का एक 3D डिजिटल ट्विन या आईवतार बनाते हैं. तो WaveLight Plus InnovEyes में एक मशीन है जिसको कहते हैं InnovEyes SightMap. इस मशीन में तीन टेक्नोलॉजीज हैं और इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से ये आपकी आंख का पूरी तरह से नाप लेती है. हर मेजरमेंट को परफेक्टली लिया जाता है और आपकी आंख का एक डिजिटल ट्विन बनाया जाता है. ये जो डिजिटल ट्विन है, ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे आपकी रियल आंख काम कर रही है. अब इस डिजिटल ट्विन पे लेजर पैटर्न को निकाला जाता है, लेकिन इस लेजर पैटर्न को इस तरह से कस्टमाइज करके निकाला जाता है कि जो सारी लाइट हमारे आंख पर फोकस कर रही है वो परफेक्टली पर्दे पर एक पॉइंट पे फोकस पे आ जाए. अब जो आपका ट्रीटमेंट हो रहा है ये आपके आंख के हिसाब से हो रहा है. अभी तक जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी वहां पे एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट था, एक फिट ऑल ट्रीटमेंट था. ट्रीटमेंट ऑलरेडी बना हुआ है, उसको पेशेंट की आंख में फिट करना है.
लेकिन अब वेव लाइट से रेडीमेड ट्रीटमेंट नहीं है, पेशेंट की आंख का नाप लेके मेजर करके एक डिजिटल आई ट्विन बनेगा और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान होगा। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये सिर्फ आपकी आंख के लिए है, आपकी आंख में जब हम ये ट्रीटमेंट करेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो जब मान लो मेरे पास तीन पेशेंट आते हैं, तीनों की आंख में तीन का नंबर है, लेकिन तीनों का जो वेवलाइट ट्रीटमेंट होगा वो उनकी आंख के हिसाब से डिजाइन होगा कि चश्मा भी हटे, आगे की इररेगुलरिटी भी हटे, पीछे की इररेगुलरिटी भी हटे और रे ट्रेसिंग के हेल्प से सारी जो लाइट आंख पे फॉल कर रही है वो पर्दे पे परफेक्टली फोकस हो। इस लेवल का हाई एंड ट्रीटमेंट हम लोग पहली बार कर पा रहे हैं वर्ल्ड में, इससे पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं अपने सारे पेशेंट्स के लिए आज की डेट में वेवलाइट प्लस इनोवाइज वाला ट्रीटमेंट चूज कर रहा हूं, क्योंकि इस तरह की पर्सनलाइजेशन से मैं जो आपकी नजर की क्वालिटी है उसको नॉर्मल से भी बेटर कर सकता हूं। तो मेरे जो पेशेंट्स वेवलाइट ऑपरेशन कराते हैं उनकी नजर जो है वो 6.5, 6.4, 6.3 इस तरह की विजन आती है जो हमने पहले ना कभी देखी ना कभी सुनी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है वेवलाइट प्लस इनोवाइज का जो आज तक किसी भी टेक्नोलॉजी में नहीं हुआ। साथ ही साथ वेवलाइट का जो सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज है वो ये है कि इसमें अब मैनुअल एरर नहीं होता। तो पुरानी सारी टेक्नोलॉजीज ले लो जो मैंने आपको सारे नाम बताए, इन सारी टेक्नोलॉजीज में चश्मे का जो नंबर है वो मैनुअली निकाला जाता है। एक इंसान आपके आंखों के सामने लेंस लगा के एक पावर को कैलकुलेट करता है, लेकिन मैनुअल चेकिंग में हमेशा एरर रहेगा क्योंकि मैनुअल चेकिंग कभी भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। लेकिन जब से वेवलाइट में अब ये नंबर ऑटोमेटेड निकलता है तो ऑटोमेटिक निकलने की वजह से हम आपको बुल्स आई करेक्शन देते हैं जो आज से पुराने वाली ट्रीटमेंट्स में पॉसिबल नहीं था। वेवलाइट प्लस वाली ट्रीटमेंट फ्लैप के साथ भी हो सकती है एंड बिना फ्लैप के भी हो सकती है। तो दोनों का एडवांटेज हम पेशेंट को देखते हैं पेशेंट की रिपोर्ट्स को देख के। एंड एक और बड़ा एडवांटेज जो वेवलाइट का है वो ये है कि ये ट्रीटमेंट फ्यूचर रेडी है। देखिए अभी तक क्या होता था, जब हम आपका चश्मा हटाते थे पुरानी टेक्नोलॉजी से तो जो अगले दिन आपकी नज़र आई वो सबसे बेस्ट नज़र होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता है आंख अपने आप को चेंज करती है और नज़र की क्वालिटी डाउन हो जाती है। लेकिन वेवलाइट प्लस इनोवाइज में ये जो फ्यूचर चेंजेस हैं, कॉर्नियल बायोमैकेनिक्स का चेंज है, एपिथेलियल रीमॉडलिंग का चेंज है, ये सारा ट्रीटमेंट में इनकॉर्पोरेटेड है। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वेवलाइट प्लस से जब हम पेशेंट को ऑपरेशन करते हैं तो ये क्वालिटी लंबे समय तक मेंटेन रहती है। ड्यूरेशन जो है आपकी परफेक्ट विजन की वो लंबे समय तक मेंटेन्ड है। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर में आंख में चेंजेस होने हैं वो पहले से ही हमने ट्रीटमेंट में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। और एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम ऑपरेशन करने से पहले ऑपरेशन का क्या रिजल्ट आएगा और कितनी अच्छी क्वालिटी पेशेंट को मिलेगी ये हम पहले ही पता कर लेते हैं वर्चुअल सर्जरी करके। तो जो हम डिजिटल ट्विन बना रहे हैं वेवलाइट प्लस इनोवाइज में, उस डिजिटल ट्विन में एक वर्चुअल सर्जरी करा जाता है और उस वर्चुअल सर्जरी के पैटर्न को रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी बार बार रिफाइन करके आइटरेशन के प्रोसेस से एक ऐसा पैटर्न निकालती है जिसको जब हम यूज करते हैं तो पेशेंट की क्वालिटी एक ईगल आई विजन पहुंच जाती है। सो ये नए एडवांटेजेस आए हैं वेवलाइट में। देखिए अल्टीमेटली हमें यह समझना है कि लेजर ऑपरेशंस के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो एक तरह से बराबर ही रहते हैं। तो वेवलाइट प्लस में भी जो मेन साइड इफेक्ट है जैसे पुराने टेक्नोलॉजीज में है वो है ड्राइनेस का, कि ऑपरेशन के बाद आंख में थोड़ा सा सूखापन आएगा और उसको ठीक होने में 2-3 महीने लगते हैं, तो उस टाइम के लिए आपको दिन में 4 बार ड्रॉप्स डालनी पड़ती है। मेरे हॉस्पिटल में सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, A to Z, सरफेस लेजर सारे अवेलेबल है, लेटेस्ट से लेटेस्ट फ्लैप वाले सारे अवेलेबल है, फ्लैपलेस भी सब अवेलेबल है, सिल्क वगैरह, बट फिर भी आज की डेट में क्योंकि इतने नए एडवांटेजेस हैं और ऐसे एडवांटेजेस हैं जो आज से पुरानी टेक्नोलॉजीज में अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए मेरी प्रेफरेंस आज की डेट में अपने पेशेंट्स के लिए रहती है वेवलाइट प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ऑपरेशन।
बट यस, हम आपको ऑप्शन सारे देते हैं, सिल्क का भी ऑप्शन देता हूँ, कंटूरा का भी है, कंटूरा का भी है, लेसिक का भी है, सारे ऑप्शन देते हैं, बट प्रेफरेंस मेरी रहती है हमेशा लेटेस्ट वाली, जिसमें अपने पेशेंट्स को बेस्ट क्वालिटी एंड मैक्सिमम सेफ्टी का एडवांटेज दे सकता हूँ।